नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, शुरू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर के बेसिक से शुरू करेंगे और फिर चैप्टर में हम इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा चैप्टर है, इसने 11th क्लास में भी आना है। जब आप 11th में अगर मैथ्स लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपने इस चैप्टर को पढ़ना होगा। साइंस और कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम में यूज होने वाला चैप्टर है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये जो चैप्टर है, जब ये चैप्टर शुरू किया जाता है तो स्कूल में हमारे जो टीचर्स होते हैं वो इस चैप्टर की ना एक कहानी हम लोगों को बताते हैं। एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे बेटा, नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। 1777 में जन्मे और 1855 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी महानता कुछ इस प्रकार से बताई जा सकती है कि जब ये बहुत छोटे थे जर्मनी में, जब ये बहुत छोटे थे, है ना, तो एक एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब बचपन में ही, इनकी जो क्लास थी, इनकी क्लास में इनके टीचर्स ने एक बार इनसे पूछ लिया कि बता भाई, अगर एक से लेकर 100 तक गिनती लिख दी जाए, 49, 50, 51, ऐसी 99 और 100, ऐसी अगर एक से लेकर 100 तक ऐसे गिनती लिख दी जाए, ठीक है, तो बताओ इन सबको ऐड करके जोड़ कर क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही छोटी सी एज में इनसे पूछ लिया गया था। ठीक है, अब देखो अलग अलग टीचर इस कहानी की अलग ही कहानी सुनाते हैं। जो मैंने सुना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो जर्मनी में कोई एलिमेंट्री स्कूल था और जब ये हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस बहुत छोटे थे, तो इनके मास्टर ने, इनके अध्यापक ने इनसे एक सवाल पूछा कि अगर एक से लेकर 100 तक सभी नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो उनको जोड़कर कितना आएगा। तो भाई साहब, इन भाई साहब ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी ने, मतलब कि तुरंत ही बता दिया, लो भाई 5050, तुरंत ही बता दिया। ठीक है जी, मास्टर सुनकर भैया एकदम हकबका गए कि भैया ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये बंदा बताता है कि देखो ऐसा है सर, 1 और 100, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, 1 और 100 अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके आंसर में आना है 101। ठीक है, 2 और 99 को अगर आप ऐड करोगे तो अगेन आपका आंसर क्या आना है, 101। बिगिनिंग से जो भी टर्म ले रहे हो, एंडिंग से भी वही टर्म लो। बिगिनिंग से तीसरी टर्म ले रहे हो तो एंडिंग से तीसरी टर्म यानी कि 98 लेनी पड़ेगी, तो भी आपका कितना आएगा, 101। तो ये जो 101 है, ये जो 101 है, ये टोटल कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 बार। मतलब एक प्रकार से उन्होंने इस 100 को, इस 100 को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया था, पहले 50 और अगले 50। तो कुल मिला के अगर आप पेयर बनाएंगे ना, तो टोटल आपके 50 पेयर बन जाएंगे। तो ये जो 101 है, ये टोटल 50 टाइम्स ऐड हो रहा था। तो इसलिए जब 101 की मल्टीप्लाई आप 50 से करेंगे तो आपको मालूम है कि आपका आंसर कितना आ जाना है, आपके आंसर ने आ जाना है 5050। तो ये इनका बताने का तरीका था भाई। ठीक है, तो उन्होंने जिस प्रकार से इस चीज को सोचा, वही चीज बेटा अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हाँ जी, तो ये जो बात मैंने बताई है बेटा, हालांकि इस चीज के बारे में एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके टीचर आपको इस कहानी के बारे में बताए। जब मैं खुद 10th क्लास में था तो मेरे सर ने भी, मेरे टीचर ने भी मुझे इस कहानी के बारे में बताया था। ठीक है, आपके टीचर इस कहानी के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है, शायद इसका कुछ अच्छा वर्जन आप लोगों के पास हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है बेटा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। सर, कहने का मतलब क्या है, जो भी मैं जैसे बड़ा आपसे बोलता हूं कि मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि हमारे कोई रोहित जी हैं, रोहित, ठीक है जी, रोहित जी ने सेविंग करनी स्टार्ट करी, मतलब जो भी इनको पेरेंट्स पैसे देते हैं कि
कि बेटा ले आज तू 10 रुपए ले, कल 10 रुपए ले, ठीक है। तो ये अपने पैसे को ना खर्च नहीं करते हैं, ये सेविंग करते हैं, ठीक है। आज इनकी मम्मी ने इसको 10 रुपए दिए कि जा बेटा चीज खा लियो, ठीक है। लड़की ने चीज नहीं खाई, इसको गुल्लक में डाल दिया भैया, ठीक है, नहीं पिगी बैंक में डाल दिया, 10 रुपए सेव कर दिए, ठीक है। अच्छा अगले दिन दोबारा इसकी मम्मी ने इसको 10 रुपए दिए, ठीक है, तो भाई ने फिर से कोई चीज नहीं खाई, ठीक है, भाई ने इसको भी क्या कर दिया, गुल्लक के अंदर डाल दिया। तो सोचो इस 10 रुपए के साथ जब 1 10 रुपए और आ जाएंगे तो अब इस भाई के पास कुल कितने रुपए हो चुके हैं, 20 रुपए हो चुके हैं। अच्छा सोचिए भाई को 10 रुपए और मिल जाए अगले दिन, तो बताइए अभी कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। ऐसे बेटा अगले दिन ये कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। तो इसी तरह से बेटा क्या होगा, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब जो है यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, इसके और इसके बीच में, इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं डिफरेंस 10 का है। इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी कितने का है बच्चे, डिफरेंस 10 का है। इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी कितने का है, 10 का है, ठीक है जी। हर अगली वाली टर्म में से अगर माइनस करते हैं पिछली वाली टर्म को तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। इसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे तो डिफरेंस सेम आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो डिफरेंस आपका 10 आएगा। तो गाइस ये क्या, ये जो सिक्वेंस हमारे सामने आ रहा है, ये जो क्रम हमें हम देख पा रहे हैं, इस सिक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, इसे एपी बोला जाता है बेटा, इसे हम एपी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो 10, 20, 30, 40 है, एपी और क्या हो सकती है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, शुरुआत में मेरे पास एक दिन पापा जी ने 100 रुपए दे दिए थे, ठीक है, और अगले दिन से पापा जी ने हर दिन 20 20 रुपए मुझे देने शुरू किए, तो अगले दिन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 120। फिर अगले दिन पिताजी ने मुझे 20 रुपए और दिए, तो अब बताइए मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 140, 160। तो ये क्या है बेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 120 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है। अगर आप 120 में से, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, तो 120 में से जब आप 100 को माइनस करेंगे बेटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर आप 140 में से 120 को माइनस करें बच्चे तो अगेन आपका आंसर फिर से 20 आएगा। 160 में से 140 को माइनस करें बेटा तो यहां पर भी आपका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये भी क्या है, एपी है। मतलब हर दो लगातार जो टर्म्स आ रही है, जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर आगे वाले टर्म्स में से अगर पिछली वाली टर्म्स को माइनस करके हमेशा एक ही चीज आनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो एपी मानी जाएगी। जरा एक एग्जाम्पल और देखिएगा, मान लेते हैं आज पापा जी ने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, अगले दिन पापा जी ने मुझे 20 रुपए दिए और मेरे पास अब 120 रुपए हो चुके हैं। फिर अगले दिन पिताजी ने मुझे 20 रुपए और दिए बेटा, तो अब मेरे पास 140 रुपए हो चुके हैं। लेकिन अगले दिन पिताजी ने मुझे 20 रुपए नहीं दिए, मुझे 40 रुपीज दे दिए, तो देखो मेरे पास कितने पैसे हो गए, 180। बात समझ में आ रही है, हर दिन लगातार 20 20 रुपए दे रहे थे, एक दिन अचानक से 40 रुपए दे दिए, तो कितना हो गया, 180 हो गया। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एपी। एपी क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे डिफरेंस 20 का था, यहाँ पे डिफरेंस 20 का था, बट यहाँ पे डिफरेंस 20 का नहीं है, ये डिफरेंस 40 का हो गया। तो इस वजह से बेटा आप क्या बोलेंगे, ये पूरा जो सीक्वेंस है बेटा ये एपी नहीं है, आप इसको एपी नहीं बोल सकते हैं। एपी होने के लिए रूल क्या है कि हर दो नंबर्स के बीच, नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। जरा इसके बारे में बताइए बेटा आप लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं बेटा 20, 18, 16, 14। हाँ जी बेटा 20, 18, 16 एंड 14। अब बताइए क्या ये एपी है या ये एपी नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो जरा सोचिए बेटा, 20 है, 20 है या 18 है। अगर मैं बोलूँ 18 में से 20 माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे माइनस कर दूँ। अगर इस 16 में से इस 18 को, 16 में से अगर 18 को माइनस कर दिया जाए तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अगर 14 में से 16 को माइनस कर दिया जाए तो अगेन यहां पर आपका आंसर कितना आएगा, तो भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, -2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, -2, -2, -2। बात समझ में आ रही बच्चों, तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो बेटा इसको हम क्या बोल देंगे, इसको एपी बोलेंगे, ओके। अगर बेटा एक एक केस और देखो गाइस, एक केस और देखो, मान लीजिए बेटा मैं आपसे बोलता हूं, मान लो बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि नंबर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बेटा, नंबर है 30, 26, 22, 16, 10। अब बताइए क्या इसको आप एपी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो आप सोचिए 26 में से, 26 में से बेटा अगर अगर आप 30 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4,
22 में से अगर आप 26 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -4। 16 से अगर आप 22 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? -6। -6 होने की वजह से बेटा देखो डिफरेंस डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट हो जाने की वजह से बेटा अब हम क्या बोल देंगे? अच्छा आप यहाँ देखो 10 में से 16 माइनस करो तो यहां पर भी क्या हो रहा है? -6 हो, तो आप क्या बोल देंगे? नॉट एपी। आप इसको एपी नहीं कह सकते हैं बेटा, आप इसको एपी नहीं कह सकते हैं। चलो मान लो एक एग्जाम्पल और देखो, मैं आपके सामने लिखता हूँ 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलता रहे बेटा, ऐसे डॉट 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 कई सारे एलिमेंट्स तक। ठीक है, अब बताइए इसको एपी बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, राइट। और ऐसे ही 5 में से 4 माइनस करोगे बेटा तो भी आपका क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे? ये एपी है, दिस इज ऑल्सो एपी। ठीक है, जो अब जरा अगला वाला देखना, मैं लिखता हूं बेटा, मैं लिखता हूं 6, 4, 2, 0, -2, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। अब देखो 4 में से 6 माइनस किया तो -2 आएगा, 2 से 4 माइनस किया तो -2 आएगा, 0 से 2 माइनस किया तो -2 आएगा, -2 से 0 माइनस किया तो भी -2 आएगा, -4 से माइनस करो -2 तो अगेन आपका -2 आएगा, -6 से माइनस करो -4 तो अगेन आपका आंसर -2 आएगा। तो गाइस आप इस सिचुएशन में इसको भी क्या बोलेंगे कि ये भी एक एपी है, इसको भी एपी बोला जाएगा। अब जरा समझिएगा बेटा, मैं बोलता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्या इसको एपी बोलेंगे? अब देखो दिखने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, 1, 2, 3, 4, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन ये एपी नहीं है, आपने ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब देखो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, 9 और 4 के बीच का डिफरेंस 5, 16 और 9 के बीच का डिफरेंस 7। डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा, जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसको एपी नहीं बोला जा सकता है बेटा, हम इसको एपी नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही बच्चों? इसको एपी नहीं बोला जाएगा। अच्छा अगर बेटा मैं लिखता हूं, इसको लिख दो भाई एपी नहीं है, नॉट एपी। ओके मैं आपसे बोलता हूं √1, √2, √3, √4, √5। अब बताओ दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये भी, कि देखो भैया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 का तो डिफरेंस है। ठीक है, कोई बच्चे बोलेंगे देखो भैया √2 में से √1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √1 आ जाएगा। √3 से √2 को माइनस कर देंगे तो √1 आ जाएगा। √4 से √3 को माइनस कर देंगे तो √1 आ जाएगा। √5 से √4 को माइनस कर देंगे तो √1 आ जाएगा। भाई लोग अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है बेटा, तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को सरासर गलत लगता है। भाई ऐसे माइनस थोड़ी होता है, रूट में से रूट माइनस करके, लाइक √6 - √5 अगर कोई बोल दे तो आप √1 नहीं लिख सकते यार, क्यों जी? ये कैलकुलेशन का तरीका नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, मतलब आई थिंक 9th में शायद हमने पढ़ा हुआ है इसको, या तो 8th में या 9th में। ठीक है, जैसे अगर ऐसा होता है कि 4√2 माइनस में 3√2, तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते थे कि हाँ √2 कॉमन आ जाएगा तो 4 - 3 बन के 4 - 3 √2 आंसर आ जाएगा। तो ये होता है बेटा तरीका करने का, लेकिन फिलहाल ये रूट के अंदर से रूट ऐसे माइनस नहीं हो जाता बेटा। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी √2 * √3 बोल दे तो आप आंसर क्या लिख देंगे? √6 बोल देंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऐसे माइनस प्लस नहीं कर सकते यार। तो भाई लोग क्या होगा अगर मैं बोलूं कि √2 से √1 को माइनस करेंगे तो ये क्या रहेगा? √2 - 1 रहेगा। ऐसी √3 से √2 को माइनस करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा भाई। अब आप इसको √1 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, अगर लिखना ही है तो फिर प्रॉपर लिखो कि भैया √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग कुछ होती है, फिर आप इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ऐसे इसको माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी √4 का मतलब 2, ये आपका 2 - √3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है भाई, जबकि इनको सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा तो बट हम क्या बोल देंगे? इट इज नॉट, ये एपी नहीं है। बात समझ में आ रही बच्चों? ये होता है कि भैया ये एपी नहीं है। चलिए अब आप ये चीज समझ चुके हैं, जरा एक और एग्जाम्पल देखना भाई लोग। अगर मैं आपसे बोलूं 5 5 5 5 5, क्या ये एपी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्या इसको आप एपी मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो बहुत तरीका सिंपल है, देखो भाई 5 में
और पांच में डिफरेंस कितने का, जीरो का, डिफरेंस जीरो का, डिफरेंस जीरो का, डिफरेंस कितने का, जीरो का। डिफरेंस सेम है कि नहीं है? डिफरेंस अगर सेम तो एपी है, इसको एपी माना जाएगा। तो ये तरीका होता है बेटा, ठीक है जी बच्चों। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, राइट। चलिए अब जरा देखिएगा, होता क्या है ना, किसी भी एपी में, जैसे मैं कोई एपी लिखता हूं आपके सामने, फाइव सेवन, फाइव में सेवन, फिर नाइन, इलेवन, थर्टीन एंड सो ऑन। ये एक एपी बेटा मैंने आपके सामने लिखी है, एक एपी मैंने आपके सामने लिखी है। आप देख सकते हैं, सात और पांच के बीच का डिफरेंस दो का है, नौ और सात के बीच का डिफरेंस दो का है, ग्यारह और नौ के बीच का डिफरेंस भी दो का है, तेरह और ग्यारह के बीच का डिफरेंस भी दो का है। तो डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो एपी तो है भाई, ठीक है। अब याद रखिए, जो एपी होती है बच्चे, जो भी हमारी एपी होती है, एपी में ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म, ठीक है जी। हिंदी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, है ना, ओके। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ये क्या है भाई लोग, ऐसी हमारी फोर्थ टर्म, भाई लोग ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो याद रखिए, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको तो ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। जो सेकेंड टर्म होती है उसको ए टू से डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे ए टू मत लिख के बैठ जाना, ए लिखो और नीचे छोटा सा ऐसे टू लगा दो भाई, ठीक है। ऐसी थर्ड टर्म, ए लिखो और नीचे से थ्री लगा देंगे भैया, ठीक है। ये फोर्थ टर्म है तो क्या हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा। फिफ्थ टर्म ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए फाइव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे मैंने ए लिखा तो इसको ए वन भी लिख दो तो कोई आपत्ति नहीं है भैया, ऐसे में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली इसको ए वन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं उस पर, लेकिन ए भी लिखा जाता है। तो याद रखिए, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हिंदी में प्रथम पद, प्रथम पद, ओके। फिर इसमें एक डी नाम की चीज होती है, डी का मतलब होता है जो डिफरेंस आप निकाल रहे थे ना अब तक, उसे हम डी बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। डी होता है हमारे लिए कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोला जाता है सार्व अंतर, हिंदी में बोला जाता है क्या, सार्व अंतर, ठीक है। अभी डी निकालते कैसे हैं, तो डी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको मालूम है सेवन में से माइनस करना पड़ेगा फाइव, तो डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ए टू में से माइनस करना पड़ेगा क्या, ए वन, ठीक है जी बच्चे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ए टू में से ए वन माइनस करो, आप इस ए थ्री में से ए टू को भी तो माइनस कर सकते हो ना, नाइन में से सेवन माइनस कर दोगे तभी तो टू ही आएगा, यानी कि आप चाहो तो ए थ्री में से माइनस कर सकते हो क्या, ए टू, और ए फोर से माइनस कर सकते हो क्या, ए थ्री। तो ये डी को निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया बेटा, आप इस चीज को याद रखेंगे, ओके। जैसे बच्चे, जैसे बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि एक एपी है, एक एपी है 12 17 22, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप सभी बच्चों ने आंसर क्या करना है, 12। अगर बेटा आपसे बोला जाए डी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सेकेंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारे लिए क्या है, 17, फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या है, 12। तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा भाई लोग, 5। जरूरी नहीं है कि आप ए टू में से ए वन माइनस करो, आप ए थ्री में से ए टू को भी माइनस कर सकते थे बेटा, तब भी आपके आंसर में क्या आना था, 5 ही आना था, ओके। जरा इस वाले एग्जाम्पल को देखिए बच्चे, मैं आपसे कहता हूं कि एक एपी है 196, 92 एंड सो ऑन। आपसे पूछ लिया गया कि बताओ ए क्या है, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस डी। तो देखो, ए तो पता चल गया 100 है, ए सिंपल है वो तो, ठीक है। अगर बात करें डी की, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या है, ए टू माइनस ए वन। अब देखो बच्चे क्या पागलबंदी कर देते हैं, 100 में से 96 माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 4। भाई तो गलत हो जाएगा ना यार, 100 में से 96 माइनस कर दोगे तो 4 आएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ए टू तो आपके लिए क्या है, 96 है, और ए वन बेटा आपके लिए क्या है, 100, और आपके आंसर ने कितना आना चाहिए बेटा, आपके आंसर ने आना चाहिए कितना, -4, यानी कि इस बार डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव होने का मतलब हर अगली टर्म कम हो रही है, डी जब पॉजिटिव आता है, डी जब पॉजिटिव आता है बेटा, तो उसका मतलब क्या है, हर अगली टर्म इंक्रीज हो रही होगी। तो ये डी हमें बताता है कि टर्म इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डी कितना आया, -4। अच्छा जरा अब देखो, मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देता हूं। मान लेते हैं बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि अगर अगर ए
है और डी हमारे लिए 5 है। बताइए एपी हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, एपी चाहिए ना, तो एपी बनाने के लिए देखो फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म तो 12 है। सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म तो सेकेंड टर्म के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दो, यानी कि 12 में 5 जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 17। अगर थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म में डी जोड़ दो, यानी कि 17 में 5 जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 22। या फिर इन सिंपल है यार, सिंपल है, देखो ए कितना था 12, 12 में 5 जोड़ते रहो 17, फिर 5 जोड़ो 22, फिर 5 जोड़ो 27, ऐसे चलता रहेगा। जैसे अगर मैं और बोलूं, मैं आपसे बोलूं बेटा कि ए है 20, डी है 6, एपी क्या होनी चाहिए, तो सिंपल है, ए 20 है, डी 6 है, यानी कि अगली टर्म इंक्रीज हो रही है, 20 में 6 प्लस कर दो 26, 26 में 6 प्लस कर दो 32, 32 में 6 प्लस कर दो 38, एंड सो ऑन बेटा, ऐसे चलता रहेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ए आपके लिए 50 है और डी आपके लिए माइनस का 10 है, इस बार भाई नेगेटिव है माइनस का, ओके। तो अब बताइए अब हमारी एपी क्या होनी चाहिए। तो भाई सिंपल है रूल, 50 हमारी फर्स्ट टर्म, अब इसमें से डी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 10 है यहाँ पे, तो 40 बन जाएगा, फिर माइनस का 10 30 बन जाएगा, फिर माइनस का 10 ये अपन का कितना 20 बन जाएगा, फिर माइनस का 10 ये हमारे लिए 10 बन जाएगा। तो ऐसी बढ़ाई इसी प्रकार से चलता रहता है, बात समझ में आ रही है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार उनको देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में देखो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है और ये सब बातें जो मैंने आपको अभी तो समझाई थी ये सब यहाँ पे लिखी गई हैं। और देखो क्वेश्चन देखते हैं सीधा क्या बोला गया है। बोला गया बेटा कि हाँ जी बेटा, बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। हमें बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज दिस लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमसे पूछा गया कि बताओ ये जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है इनसे क्या एपी बनेगी या नहीं बनेगी, अगर बनती है तो क्यों बनती है। तो देखो सिंपल है यार, बोला गया कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जैसे ही तुम टैक्सी में बैठोगे तो पहले किलोमीटर के तुम्हें ₹15 देने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें हर एक किलोमीटर के ₹15 नहीं देने, सिर्फ पहला किलोमीटर महंगा है, उसके बाद हर एक किलोमीटर आपके लिए ₹8 का होगा, यानी कि अगले किलोमीटर में ₹8, यानी कि आपका फेयर 23 हो जाएगा। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए बेटा ₹8 और, ये 31 हो जाएगा। फिर चौथे किलोमीटर के लिए ₹8 और, 39 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, एक एपी बन रही है और एपी बनने का रीजन क्या है, हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है भाई लोग, डिफरेंस सेम है, राइट। अगर मैं बात करूं बोला गया द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप, अरे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, यहां से पढ़ लेते हैं इसको यार हम। अजी क्या बोला गया बेटा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। भाई लोग क्या बोला गया है कि किसी सिलेंडर में जो भी एयर है उसे कोई वैक्यूम पंप उस एयर को बाहर निकाल देता है। कितने एयर बाहर निकालता है, 1/4 एयर बाहर निकालता है, 1/4, राइट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सोचिए जरा, सोचिए बेटा, सोचिए जरा कि अगर बिगिनिंग में, सोचिए अगर बिगिनिंग में हमारे सिलेंडर में 800 यूनिट यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एयर है तो उसका ऑब्वियसली वॉल्यूम होना चाहिए, तो समथिंग क्यूब होगा, तो ठीक है, तो जो भी यूनिट है यूनिट क्यूब, मैं मान के चल रहा हूं कि इनिशियली हमारे सिलेंडर में इतनी एयर थी, राइट। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के बाद
जो वैक्यूम पंप है उसने कुछ एयर बाहर निकाल दी होगी, कितनी एयर बाहर निकाली होगी, 1/4। तो सोचिए 800 का 1/4 कितना होता है, तो आप आंसर करेंगे 200। तो सोचिए अब कितना बचा होगा इसके अंदर, इसके अंदर बची होगी कितनी एयर, हाजी 600 यूनिट क्यूब। बात समझ में आ रही बच्चे? फिर सोचिए नेक्स्ट आवर में, अगले टाइम जब दोबारा से जो वैक्यूम पंप हम चलाएंगे तो अगेन इसका 1/4, इसका 1/4 कितना, 150। इतनी एयर अब कम हो जाएगी और एयर बचेगी कितने, 450 हो जाएगी। फिर इसका 1/4 ऐसी कम होती रहेगी, सोचो 800, 600, 450, इतनी इतनी एयर ही हमारे सिलेंडर में बचने वाली है। देखो दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, मैं टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा कोई सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या है, एयर है, कितनी एयर है, मैंने लेट एक एग्जाम्पल लिया 100, जरूरी नहीं आप 800 लो, आप 100 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 800 ले लिया, ठीक है। और बोला गया कि हमने जो पंप से यहां से एयर को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाला है, ठीक है। हर घंटे में कितनी एयर बाहर निकालते हैं, 1/4, ठीक है। अब जरा सोचिए जब इनिशियली इसके अंदर 800 की एयर थी, 800 थी, ठीक है, तो इसका 1/4 बाहर निकाल दिया, 800 का 1/4 कितना होता है बेटा, 200 होता है, यानी कि अभी भी इसके अंदर एयर बची होगी, कितनी बची होगी, 600, राइट। पहले 800 थी, अब कितनी बची है, 600। अब अगले घंटे में जब दोबारा पंप को हम चलाएंगे तो 1/4 एयर दोबारा बाहर आ जाएगी, तो यानी 150 यूनिट बाहर आ जाएगी, और अब इसके अंदर कितना बचेगा, 450। फिर दोबारा से इसका 1/4 बाहर आएगा, तो सोचिए 800, 600, डिफरेंस 200 का है, और इसमें डिफरेंस जो है -150 का हो गया, तो डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो आप क्या बोल देंगे, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं होगी भाई लोग। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके देन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिर क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के 150 रुपए हैं और उसके बाद 50 50 रुपए बढ़ता रहेगा, यानी 200, 250, 300। गाइस तो यहां पर भी क्या बन रही है, एपी बन रही है यार, राइट। लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, क्या बोला गया उसमें, द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। अब सोचना बच्चों, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, आपने इस पैसे को बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। अब बैंक ने क्या बोला कि मैं आपको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा। भाई देखो इंटरेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जरा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखो क्या होगा, पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपए पे, कितना परसेंट, 8%। तो देखो कितना रुपए मिलेगा इंटरेस्ट आपको, 800 रुपए, यानी कि आपके बैंक में अब कितने पैसे हो गए, 10,800 रुपए हो गए, आपके बैंक में कितने पैसे हो चुके हैं, 10,800 रुपए, क्योंकि पहले साल आपको 10,000 रुपए पे 8% का इंटरेस्ट मिला, यानी 800 रुपए का आपका इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट आपके बैंक में ही है, तो यानी कि 10,000 में 800 रुपए जोड़ दो, तो आपके बैंक में अब 10,800 रुपीज हो चुके हैं। अब अगले साल की बात करते हैं, अगले साल इंटरेस्ट दोबारा मिलेगा। अगर देखो क्वेश्चन सिंपल होता, अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता तब तो भैया सिंपल था कि भैया हर साल 800 रुपए इंटरेस्ट मिलना है हर साल, लेकिन इसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को हर साल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है कि कितना पैसा आपके बैंक में है, उस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट अब आपको 10,000 पे नहीं मिलेगा, अब आपको इंटरेस्ट 10,800 पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 8%। तो 8% आप देख सकते हैं, ये बन जाएगा 864 रुपये, तो यानी कि 864 जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो 4, 6, 8, 8, 16 और 1, यानी 11,664 रुपये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस 800 का है और इनके बीच में डिफरेंस 864 का है, 864 का है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपने इस 10,000 रुपये पे तो 800 रुपये इंटरेस्ट कमाया, लेकिन आपने इस 800 रुपये पे भी 8% का, यानी कि 64 रुपये का इंटरेस्ट कमाया है। तो हर कंपाउंड इंटरेस्ट की सिचुएशन में क्या होता है, हर साल डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट आप लोगों को मिलता है, तो इस वजह से ये एपी नहीं बना रहा है, दिस इज नॉट मेकिंग एनी एपी। तो बेटा ये इसके चारों पार्ट हो गए,
बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आप लोग घर में खुद सोचेंगे इसके बारे में। इन सब चीजों को बेटा आप लोगों ने खुद से सोचना है। ये हमारी एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इसकी नेक्स्ट वीडियो बेटा जल्दी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, जैसा भी आप लोग को लगता है बेटा, प्लीज कॉमेंट जरूर करना एक बार कि कितना समझ में आपको बात आई है। ओके, बाकी मुझे भी पता चल जाता है कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं और कितनी चीज आप कितनों में आपको दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए मिलते हैं बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।